और डेंगू के वार पंजाब में तेज हैं और लाहौर में पिछले 24 घंटों के दौरान सूबा भर में डेंगू के 136 मरीज सामने आ गए, जिनमें से 103 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए। रवा बरस अब तक पंजाब के 1436 केसेस में से 1180 लाहौर के हैं। आपको बताएं कि डेंगू के वार पंजाब में तेज हैं, जबकि लाहौर में बहुत तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर में डेंगू के 136 मरीज सामने आए, जिनमें से 103 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए। रवा बरस अब तक पंजाब के 1436 केसेस में से 1180 लाहौर के हैं। चेयरमैन डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर सोमिया इकतदार का कहना है कि अगले 2 माह डेंगू के लिए इंतहाई खतरनाक है और इसमें इजाफा देखा जाएगा। डेंगू में इंसान को शदीद बुखार होता है, हड्डियों में शदीद दर्द होती है। ऐसी कोई भी अलामत हो तो करीबी अस्पताल से टेस्ट करवाएं। अगर प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो तो फौरी किसी अस्पताल से इलाज करवाएं। दो डेंगू जो है इस साल हमें हाई नंबर्स में आता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे पास लाहौर में जो प्रॉब्लम हुई वो थोड़ी सी DHA के एरिया के अंदर हुई, जहाँ पे थोड़े सर्विलेंस के इश्यूज भी सामने आए, ब्लड इंडेक्स एकदम हाई आया। और डेंगू का मसला ये है कि ये बीमारी जब फैलती है तो फिर इसका एक्सपोनेंशियल राइज होता है। फीवर हाई ग्रेड हो रहा होता है और ये फीवर आमतौर पर 102-103 डिग्री का होता है, जो कि डेंगू में है। इसे हम ब्रेकिंग बोन फीवर कहते हैं। तो जैसे हड्डियों के चटकने की दर्द होती है, इतनी शदीद दर्द है, आँखों के पीछे दर्द और सर में दर्द, जिस्म पे किसी धब्बे का नमूदार होना या रैश का बनना, जिस्म के किसी हिस्से से खून आना, पेट में दर्द, उल्टी और मतली की कैफियत, ये कुछ अलामात हैं जो डेंगू के डायग्नोसिस की तरफ हमें शुबा डालती हैं।